हेलो एवरीबॉडी, आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या कहती है। तो फर्स्ट हम डॉक्ट्रिन में बात करते हैं, नो फर्स्ट यूज़। इंडिया ने ये डॉक्ट्रिन बना रखी है कि सबसे पहली बार अटैक न्यूक्लियर वेपन्स से इंडिया खुद से नहीं करेगी, जिसका मतलब ये है कि इंडिया कभी भी अग्रेसर नहीं बनेगी न्यूक्लियर अटैक में। सेकेंड हम बात करते हैं क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, इसका मतलब है कि हम ये कोशिश करेंगे कि पहला अटैक हम कभी भी खुद से ना करें, हम थ्रेट पर भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे विद न्यूक्लियर वेपन्स। बट अगर कभी इंडिया पर अटैक हो जाता है न्यूक्लियर वेपन से, तो इंडिया अटैक करेगी इन रिटेलिएशन, पर ये जो रिटेलिएशन में अटैक होगा ये भी मिनिमम होगा। और वो मिनिमम क्यों होगा? क्योंकि हम सिर्फ डेटर करना चाहते हैं, हम सिर्फ दूसरी पार्टी को, दूसरी कंट्री को हटाना चाहते हैं उसके मकसद से कि न्यूक्लियर पावर का वो इस्तेमाल इंडिया के अगेंस्ट ना करे। क्योंकि हम ये सब जानते हैं, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड फैक्ट है ये, कि अगर दो कंट्रीज़ के बीच में न्यूक्लियर वॉर हो जाती है तो उसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें देखने को मिलेगा। एंड थर्ड है हमारा सिविलियन कंट्रोल, जिसमें हमारे पास में न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी बनाई गई है, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव मेंबर में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जिनके पास में एक पॉलिटिकल मेंबर और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के हेड्स उन्हें असिस्ट करते हैं ये डिटरमाइन कराने में कि क्या इंडिया को न्यूक्लियर फोर्सेस यूज़ करना नेसेसिटी है या नहीं है, और कितने नेचर की यूज़ करना नीडेड है। दैट्स इट फॉर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। थैंक यू।